गुड आफ्टरनून सभी को और जितना भी यहाँ आए हुए चैनल वालों को भी दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हम लोग का जो डिमांड्स है उसको जितना यहाँ अरुणाचल का जनता का कानों तक पहुँचाने के लिए आप लोग आया उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज हम लोग यहाँ में आने का मेन मकसद तो यही है कि जो हमारा यहाँ में स्टेट में जो 60 MLA जो एक सेंसन बहुत अच्छा से हमारा स्टेट के लिए बनाया उसको हम लोग एक्सेप्ट है, लेकिन उसमें एक छोटा सा माने प्रॉब्लम और बहुत बड़ा होने को है। ये वो है कि यहाँ में अरुणाचल में हम लोग जब से देखा है बोलता है यहाँ में डबल इंजन और जीरो करप्शन जीरो टॉलरेंस है बोलता है, लेकिन अंदर में हम लोग देखा है कि बहुत सा चीज़ जो यहाँ में करप्शन है। तो उसका चलते हुए यहाँ में आदि डिपार्टमेंट में जो उन लोग ने एक सेंसन बनाया जो PMKSY बोल के, तो उसका जो प्रधानमंत्री कृषि शौचालय योजना, तो उसका मेन डिफिनेशन जो है कि आपका हर खेत में पानी ये करना है, तो अंडर माने जो WCD है जो उसका अंदर में जो आर डी डिपार्टमेंट में सेंसन बनाया गया उसमें आपका 408 करोड़ जो कि आपका बहुत सा है, तो ऐसे करके सेंसन बनाया, सेंटर से फाउंड भी रिलीज हो गया, तो वो फाउंड को अभी स्टेट में जो डिस्ट्रीब्यूट करके कंटेंसी वाइज में जो किसी कंटेंसी में 200 हेक्टर, किसी में 300 हेक्टर, 2000 हेक्टर का, किसी में 25,000 हेक्टर जो उसका अंदर में एक आपका तालाब बना के वहाँ से नाला बना के हर एक एग्रीकल्चर हो या हॉर्टिकल्चर हो कोई भी प्रोडक्ट में आप पानी डिस्ट्रीब्यूट कर सकना है, तो ऐसे करके वो स्कीम बनाया। लेकिन यहाँ में देखा गया है कि वो स्कीम का नाम से स्कीम को कहीं में भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है और कहीं भी ये स्कीम को सही तरीका से माने यूज़ नहीं किया है और काम नहीं करके यहाँ में हम लोग देखा गया है। तो RTI का जरिया से हम लोग ने उसको छानबीन किया, तो अभी डिपार्टमेंट जो कहना है कि ऑलमोस्ट पैसा जो रिलीज हो गया, पेमिंग हो गया, आधा पैसा रिलीज होने वाला है, तो उसको हम लोग का डिमांड ये है कि उस पैसा को जो रिलीज नहीं हुआ उसको रिलीज नहीं करना है। स्टेट को डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये हम लोग का डिमांड है। और एक बात है कि यहाँ में जितना भी आप जो काम के लिए जो पैसा आया है वो काम को सही सलामत से आप इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करके आप कैसे उसको पेमेंट किया है ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो इसलिए हम लोग ने SIC में एक FIR लॉस किया है, एक कंप्लेंट जारी किया, तो उसको हम लोग बार बार कर रहा है लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है। तो आज हम लोग ने CS को और चीफ मिनिस्टर को हम लोग एक मेमोरेंडम सबमिट किया है कि ये केस को आप इमिडिएटली उसको ग्राउंड रियलिटी को आप इंक्वायरी करना है और उसको एक कमिटी गठन करके या उसको इमिडिएट आप ये करना है। आप कहता है हमेशा करप्शन जीरो टॉलरेंस है, तो उस हिसाब से आप ये करप्शन को भी आप इमिडिएट सॉल्व करना चाहिए। ये किस लिए आप विदाउट काम में इतना पैसा जो मिस यूज़ कर रहा है, ऐसा ही चलेगा तो स्टेट जो कैसे चलेगा, ये हम लोग का मांग है। इसलिए हम लोग का आने का मेन टारगेट तो ये है कि अभी जितना भी RD डिपार्टमेंट में जो जॉइंट डायरेक्टर है जो विदाउट काम में आप पेमिंग को रिलीज़ कर रहा है, फाउंड को आप मिस यूज़ कर रहा है, उसको इमिडिएटली उसको सस्पेंड करना है और उसका ऊपर में इंक्वायरी बताना है, ये हम लोग का मांग है। और जहाँ जहाँ में आपने सेंसन कौन कौन सा जगह में सेंसन बनाया उस सेंसन का जरिया हम लोग को रिपोर्ट चाहिए। आप कहाँ में ये चीज़ को बनाया, 200 हेक्टर हो या 3000 हेक्टर हो या आप 25,000 हो या 100 हो, कहीं में भी अगर आप बना के किसी भी कंटेंसी में अगर काम कर रहा है तो उसका ये को हम लोग को ग्राउंड रिपोर्ट को इमीडिएट देना है। और अगर नहीं किया भी है ये पैसा को किस हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूट करके पेमेंट किया, ये हम लोग का आज का मांग है। और उसको हमारा यहाँ का स्टेट का जितना भी गांव शहर से माने गली गली का आदमी जो जानना है कि ये पैसा को RD डिपार्टमेंट में पूरा मिस यूज़ किया गया है और ये पैसा जो है विदाउट काम में
इतना करोड़ पैसा को गोताला करके रखा है कि वो पेमेंट ऑलरेडी किसी और का अकाउंट में, किसी और का पाम में पेमेंट करके गया है। डिस्ट्रिक्ट वालों ने कहता है कि पीडी हो या आपका वीडियो हो, उन लोग को हम लोग क्वेश्चन करने से बोलता है कि सेंटर से मेरा डिपार्टमेंट अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं डाला। तो डिपार्टमेंट अकाउंट में, डिस्ट्रिक्ट में आप कंटेंसी ब्लॉक ऑफिसर का ऊपर में आप पेमेंट को रिलीज नहीं किया तो किसका अकाउंट में रिलीज़ किया है? ये उसको हम लोग आरटीआई में भी इतना मांग रहा है, लेकिन आरटीआई में भी उन लोग देने के लिए राजी नहीं होता है। इसलिए हम लोग आज डिमांड है कि स्टेट गवर्नमेंट जो चीफ सेक्रेटरी जो उसको सीरियस लेना है और चीफ मिनिस्टर जो सीरियस लेके हो, ये चीज़ को आप इमीडिएट हम लोग को रिपोर्ट देना है कि उसका फाउंड जो कहाँ में मिस यूज़ हुआ है और कहाँ में सही सलामत से इस्तेमाल किया, ये हम लोग का डिमांड था।